हेलो दोस्तों, कामरान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब मैंने ये गाय ली थी 1,40,000 में और जी वीडियो मैंने रखी थी, तो इसमें मैंने दाम लिखा था कि 1,40,000 की पड़ी थी और घर पे आके ये मुझे 1,60,000 पड़ी थी। तो मैंने आपसे बोला था कि ये कैसी है और इसको आप कमेंट कीजिए, तो काफ़ी कमेंट में बोला था कि 50,000 में आ सकती है, 1,00,000 में आ जा सकती है, काफ़ी महंगी है, इतने में 2-3 आ सकती है। पर मैंने किस वजह से ली थी मैं आज आपसे बता रहा हूँ कि इसका जो लेग स्कोर है आप वीडियो में देख सकते हो, एकदम स्ट्रेट है और उसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है और अदर क्लेफ्ट और अदर की स्ट्रेंथ आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है। और आज सुबह की मिल्किंग में इसने 14 लीटर दूध दिया और कल शाम को इसने 12 लीटर दिया था, तो टोटल मिला के 26 लीटर पे अभी दूध कर रही है। और सबसे खास बात कि उसके ऊपर जो टबास्को का सीमेंट लगाया था तो इसकी भी बछड़ी आ गई। लगभग आज 8वां या 9वां दिन है और 9वें दिन पर अभी इसने 25 लीटर तक 25 से 26 लीटर दूध देना स्टार्ट कर दिया है। आगे देखते हैं ये कितना 30 तक जाती है या 32 तक जाती है, तो मैं उसकी मिल्किंग करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा। और जो ये मेरी दूसरी वाली गाय थी उसने भी लगभग 2 दिन से खाना भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट कर दिया है और आज सुबह इसने 17 और कल शाम को 15 लीटर दूध दिया था, तो ये भी 32 लीटर पे आ गई। और सबसे खास बात ये कल हिट में भी आ गई थी 28वें दिन पे, पर मैंने AI नहीं करवाया, एक हिट छोड़ के अब अगली हिट पे इसका AI करवा दूँगा। आर्डर बनना चाहिए इतना आर्डर भी बन गया है और काफ़ी अच्छा दूध भी दे रही थी। तो हम गाय का ड्राई पीरियड अच्छे से मैनेज करते हैं तो लगभग हमारा पशु भी आने के 4थे या 5वें दिन से दूध पे आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे वो उसका जो गर्भाशय का संकोचन है वो लगभग 10-11-12 दिन के बाद उसका जो म्यूकस गिरता है, तो लगभग 17 या 18वें दिन वो क्लीन होने लगता है। उसके बाद पशु हमारा 22 से 25 दिन पे जितना पिकअप होता है उतने दूध पे भी आ जाता है। तो आज ये आपको कैसी लगी ये काप और ये गाय आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।